गुड आफ्टरनून सो वेलकम टू जेके टॉपर्स यहाँ पे मैं आपके लिए साइंस के एम सी क्यूज लाई हूँ जो कि हमारे जेके पी वाइल्ड लाइफ के भी रहेंगे ठीक है और जेके पी वाले भी जो बॉर्डर बटालियन के हैं या वुमेन बटालियन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं ठीक है क्योंकि तो साइंस तो उसमें मैंशन है सो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको कोई भी अपडेट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए आइए स्टार्ट करते हैं साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यानी कि देखिए सी एन जी इज़ अ फ्यूल गैस विच इज़ मेनली कम्पोज ऑफ मिथेन दैट इज़ यूज फॉर व्हीकल्स इन जनरल हेयर सी एन जी स्टैंड फॉर ठीक है तो इधर जो सी एन जी है उसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है ठीक है तो इन्होंने बोला है देखिए सी एन जी की फुल फॉर्म क्या है जिसको पता है पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ ठीक है ये देखिए अच्छे से क्वेश्चन देखिए चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन आप मुझे फटाफट आंसर बताइए कि सी एन जी की फुल फॉर्म क्या है ठीक है जो गाड़ियों में डलता है ठीक है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या होगा इसका ऑप्शन सी की फुल फॉर्म देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोस आई गैस ठीक है बी जो है सर्टिफाइड नेशनल गैस सी जो है कॉम्प्रेस्ड नेशनल गैस या डी जो है कोल एंड कोयल एंड न्यूक्लियो गैस ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताती हूँ यानी कि सी पार्ट जो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिस जिसको पता है फटाफट लिखिए नीचे जल्दी जल्दी लिखिए कि किससे बीपी ना ये मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का ठीक है सो so, ह्यूमन का जिससे करते हैं ऑप्शन देखिए ए एंडोस्कोप बी थर्मामीटर सी स्टेथोस्कोप एंड डी फाइगोमैनोमीटर ठीक है तो सही आंसर जो है आपका यानी कि डी पार्ट जो है बिल्कुल राइट right आंसर है इससे क्या करते हैं जो ह्यूमन बॉडी होते हैं यानी कि जो हम लोग होते हैं इससे बीपी इनका मेज़र करते हैं ठीक है बीपी चेक कराते हैं ना कि बीपी लो है कि हाई है नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ एम एस जी चीफ फ्लेवर एनहेंसर यूज इन दी फूड इंडस्ट्रीज ठीक है सो so ये कहाँ पे यूज होता है ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है एक ये चीफ फ्लेवर है अब हमें बताना है एमएसजी जी की फुल फॉर्म तो फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा जिसको जिसको स्टूडेंट्स को पता है तो फटाफट आंसर नीचे लिखिए लिख दिया तो चलो मैं आपको सही आंसर बताती हूँ देखो ए ऑप्शन जो है मोनोसोडियम ग्लाइकनेट बी ऑप्शन जो है मोनोसोडियम ग्लूटोमेट ठीक है सी ऑप्शन जो है मोनोसोडियम ग्लूटामियाइन एंड डी ऑप्शन जो है मोनोसल्फर ग्लाइकोर ठीक है तो बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट मोनोसोडियम ग्लुकटा ग्लूटामेट ठीक है तो ये आपका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए विच ऑफ़ दलोइंग ऑपन इज़ एन एग्जाम्पल फॉर कैमिकल चेंज ठीक है तो हम इस, हमें इस ऑप्शन में से केमिकल चेंज के लिए एक एग्जाम्पल देनी है तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट बी ऑप्शन इज इवेपोरेशन एंड जो सी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोईल एंड डी ऑप्शन क्या है आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस ठीक है तो सही आंसर क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट जो है आपका बिल्कुल राइट right आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग दबस्टांसिस इज यूजली यूज इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस एक्यूमुलेटेड ऑन दी रोड्स ड्यूरिंग विंटर्स ठीक है सो so विंटर के टाइम जब उधर ये कोल्ड जो यानी कि आइस पड़ती है ठीक है तो जब मेल्ट होती है ठीक है कौन से सबस्टांस होता है जब वो मेल्ट होती है देखिए ऑप्शन देखिए अगर जिसको पता है तो फटाफट बता दीजिए आप कमेंट्स में आंसर अगर नहीं पता है तो ऑप्शन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी कि ए इज़ साल्ट बी इज़ यूरिया एंड सी ऑप्शन इज़ बोरिक एसिड एंड जो डी ऑप्शन इज़ लास्ट ऑप्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर है यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो है ए पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग वेन एडिड टू प्योर वाटर यूजली इंक्रीज इट्स सरफेस टेंशन ठीक है तो इनमें से कौन सा है जब हम प्योर वाटर में ऐड करते हैं तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास डिटर्जेंट बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड सी ऑप्शन है कैरोसिन ऑयल एंड डी ऑप्शन जो है फिनाइल तो बिल्कुल राइट right आंसर है यानी कि हमारा जो राइट right आंसर है बी पार्ट सोडियम क्लोराइड जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांसटेशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड अडल्टुड इज नाउन एज ठीक है तो जो ये पीरियड चलता है यानी कि चाइल्डहुड से अडल्ट तक सो so उस uh, मतलब ट्रांसिशन uh, को क्या कहा जाता है तो ये देखिए ऑप्शन है आपके पास मेच्योरिटी बी इज कोर्टशिप सी इज अडल्टुड एंड डी इज एडोलस ठीक है सो जिसको पता है फटाफट बताइए मुझे अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर जो मैं आपको बता दूँ यानी कि हमारा सही आंसर है डी एडोलोसेंस ठीक है चाइल्ड हुड और अडल्ट हुड के जो आती है ये पीरियड तो उसको कहा जाता है एडोलोसेंस ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसेंड कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ठीक है तो क्या साउंड आती है देखिए ऑप्शन जो है आपके पास रायधम रिसोनेंस बी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन है एक्योटिक्स एंड डी ऑप्शन जो है अनाउंस ठीक है सो so ये आपके पास ऑप्शन है सही आंसर कौन सा है हमारा जल्दी से बताइए जिसको पता है वो बताइए मुझे बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा यानी कि सी पार्ट जो है बिल्कुल राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दी प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ठीक है सो so, इसकी डेफिनेशन किसकी है ये देखिए ऑप्शन आपके पास फोटोसेंथिस की एरोबिक रेस्पायरेशन की सी ऑप्शन इज एनबिक रेस्पायरेशन एंड डी इज ऐपो ट्रांसपेरिटेशन ठीक है तो ये आपके पास आगे फोर ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर जो है तो सही आंसर क्या होगा हमारा ये होगा आपका सी पार्ट ठीक है तो क्या होगा सी पार्ट एन ऑर्बिक रेस्पायरेशन इज दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसको पता है पहले फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो क्वेश्चन ये पूछता है हमें कि व्हाट इज दी ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है जिस चीज को पता है जल्दी जल्दी बताइए मुझे तो देखिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं ए ऑप्शन जो है कैंडीला एंड बी ऑप्शन है पास्कल एंड सी ऑप्शन जो है मोल एंड जो डी ऑप्शन इज इस एम्पायर ठीक है इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है सो so, वो आपका है यानी कि डी पार्ट जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये किसका यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का ठीक है याद रखना इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है एम्पायर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है सो मोस्ट अबेंडेंट गैस कौन सी है अर्थ एटमोसफियर में तो देखिए ऑप्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बी ऑप्शन इज हाइड्रोजन सी ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि नाइट्रोजन तो बिल्कुल सही आंसर जो है तो वो है आपका डी यानी कि नाइट्रोजन जो है आपका बिल्कुल राइट right आंसर है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन द्जाम्पल ऑफ वैक्टर क्वान्टिटिटी ठीक है सो so, इसका हमें बताना है एग्जाम्पल किसकी है इनमें से देखिए ऑप्शन जो ए आपका है मोमेंटम बी ऑप्शन जो है मास एंड सी ऑप्शन है वॉल्यूम uh, ठीक है तो डी ऑप्शन को मिलेगा आपको स्पीड ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा यानी कि ए पार्ट ठीक है मोमेंटम जो है आपका बिल्कुल राइट right आंसर है नेक्स्ट देखिए इन अजोन विच लेयर इज टर्म्ड एज गुड अजोन ठीक है तो किसकी लेयर है ये देखिए ऑप्शन देखिए आपके पास है मिसोफेयर या ट्रोपोसफेयर सी ऑप्शन जो है एक्सोस्फेयर एंड डी ऑप्शन जो है स्ट्रेटोसफेयर ठीक है सो so ये आपके पास फोर ऑप्शन आ गए बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताती हूँ यानी कि हमारा सही आंसर है डी पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है तो स्ट्रेटोसफेयर है जो आपका राइट right आंसर है नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग विटाम्स इज आल्सो नाउन एज थीमाइन ठीक है तो देखिए कौन सा विटामिन है देखिए जल्दी करिए जिस जिसको पता है फटाफट आंसर दीजिए तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ ए ऑप्शन जो है आपके पास विटामिन सी बी ऑप्शन जो है विटामिन बी वन सी ऑप्शन जो है विटामिन बी सिक्स एंड जो डी ऑप्शन है यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व तो सही आंसर बताऊं तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि बी पार्ट विटामिन बी वन जो है आपका बिल्कुल राइट right आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजिज जीरो ठीक है फाइथलेमा ठीक है सो so, इसकी कमी कौन सी है किस चीज से ये आती है ठीक है तो इसका कारण क्या है कौन से विटामिन की कमी होती है ऑप्शन देखिए आपके पास ए ऑप्शन जो है यानी कि विटामिन ए बी ऑप्शन जो है विटामिन ई सी ऑप्शन जो है विटामिन के एंड जो डी ऑप्शन जो है आपके पास यानी कि बी ट्वेल्व जिस जिसको आंसर दिख के होगा तो वो तो बताते चलेगा ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा है हमारा यानी कि ए पार्ट विटामिन ए नेक्स्ट इज विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फ्यूल की बतानी है अब हमें तो ऑप्शन देखिए आपके पास ए ऑप्शन जो है यानी कि बैकसाइड बी ऑप्शन जो है मैनगनेस सी ऑप्शन जो है मीका ठीक है माइका एंड डी ऑप्शन जो है आपका कोयल ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताऊं तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि डी पार्ट कोल जो है इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी ठीक है तो कौन से टाइप की सोलर एनर्जी सोर्स है ठीक है सोलर एनर्जी में तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास कॉन्वेंशनल बी ऑप्शन नॉन रिन्यूएबल सी ऑप्शन जो है नॉन कन्वेंशनल एंड जो डी ऑप्शन जो है एग्जॉस्टिबल ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर चलते हैं सी पार्ट नॉन कन्वेंशनल ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज दटोमिसिटी ऑफ हेलम ठीक है तो हेलम का हमें बताना है तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन है ए ऑप्शन है टू बी ऑप्शन जो है वन एंड सी ऑप्शन जो है एट और लास्ट जो आपका डी ऑप्शन है यानी कि थ्री ठीक है तो क्या है इसका सही आंसर इसका सही आंसर है हमारे पास यानी कि बी पार्ट इज वन ठीक है वन जो है आपका बिल्कुल राइट right आंसर है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमरफोस सॉइलड ठीक है तो ये किसकी एग्जाम्पल है ऑप्शन देखिए ए जो है मीका बी ऑप्शन जो है क्वार्ट्स सी ऑप्शन जो है डायमंड एंड जो डी ऑप्शन है आपके पास तो वो है रबर जिसको पता है आंसर बताइए तो सही आंसर में आपको बताऊं तो सही आंसर है हमारे पास यानी कि डी पार्ट जो कि रबर इज राइट आंसर ठीक है क्या है रबर नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज़ दी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है अभी इसमें हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है तो देखिए ऑप्शन जो है ए आपका पास यानी कि गामा रेज बी ऑप्शन माइक्रोवेव्स, सी ऑप्शन जो है रेडियोवेव्स एंड जो डी इज़ द लास्ट ऑप्शन है वेव्स ठीक है तो सही आंसर क्या है हमारा यानी कि सी पार्ट रेडियो वेव्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ जिस जिसको पता है फटाफट फटाफट बताइए फटा फट, मुझे ठीक है तो ऐसा SI यूनिट क्या है वेवलेंथ का तो ऑप्शन देखने को मिलता है हमें यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका वॉट बी ऑप्शन जो है हेड्स एंड सी ऑप्शन जो है आपके पास मीटर एंड लास्ट इज सेकेंड ठीक है तो सही आंसर क्या है हमारा यानी कि सी पार्ट मीटर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है क्या है मीटर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज ठीक है अब इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं होता है ठीक है तो आइए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए जो है आपके पास पॉजिटर्न बी ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन सी ऑप्शन जो है न्यूट्रॉन एंड जो डी ऑप्शन है आपके पास लास्ट इज प्रोटॉन। बिल्कुल सही आंसर सी पार्ट न्यूट्रॉन आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट देखिए व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम सोडियम का सिंबल क्या है देखिए ए ऑप्शन जो है आपके पास ए यू नहीं ये तो नहीं है एन ए ये हो सकता है कि है जल्दी से बोलो तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारे पास बी यानी कि एन ए ठीक है तो ये किसका यूनिट है सिंबल है ये है आपका सोडियम का तो सोडियम का क्या है एन ए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग डी डिनोट्स वाटर सल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स गो डाउन इन टू दी हॉरिजन एंड गेट्स प्रसिपेटिड एज अन एवेलेबल सॉल्ट ठीक है आप इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपके पास ऑट्रोफिजिकेशन बी ऑप्शन जो है फ्रेगमेंटेशन सी ऑप्शन जो है लीचिंग एंड डी ऑप्शन जो है बायो ठीक है तो सही आंसर कौन सा हमारा? आ, है हमारा सी ठीक है यानी कि लीचिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग गैस लॉज शो द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल ठीक है अब इनमें से कौन सा गैस ला है तो वो हमें बताना है जो दिखाता है रिलेशनशिप ठीक है किसके बीच वॉल्यूम और नंबर के बीच तो देखिए ऑप्शन आपके पास है एवोगैड्रोला बी ऑप्शन गे लुसेक ला सी चार्लेस ला एंड डी इज बॉयलेस ला ठीक है तो सही आंसर क्या है हमारे पास ए पार्ट एवागड्रो ला ठीक है नेक्स्ट चलते हैं द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियो स्टार्ट इज यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाय वेराइंग दी ठीक है तो ऑप्शन देखिए आपके पास ए ऑप्शन जो है यानी कि रेजिटेंस बी ऑप्शन की चलते हैं फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है आपके पास कैपासीटेंस एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि इंडक्टेंस ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा हमारा तो सही आंसर जो है हमारा यानी कि ए पार्ट रेजिटेंस आपका बिल्कुल राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड ओनली इन ठीक है तो जिसको पता है वो कमेंट्स करके बता सकता है कि मैम इसका आंसर ये है तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हमें कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो सिर्फ कहाँ पर पाई गई है देखिए ऑप्शन ए जो है आपके पास यानी कि फिशेस ऑप्शन बी जो है ग्रीन प्लांट्स ऑप्शन सी जो है आपके पास बर्ड्स लास्ट इज़ मैमल्स तो बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि बी पार्ट ग्रीन प्लांट्स जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स मकैनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो ये कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मकेनिकल एनर्जी के बीच और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच ठीक है तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास ए ऑप्शन इज बैटरी बी ऑप्शन इज सोलर एनर्जी सी ऑप्शन जो है जनरेटर जिसको पता होगा वो बताएगा आंसर फटाफट एंड जो डी ऑप्शन जो है यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ तो कौन सा आपका सही आंसर तो चलिए सही आंसर की तरफ चलते हैं यानी कि जनरेटर ठीक है ये किसके बीच कन्वर्ट करता है मैकेनिकल मैकेनिकल uh, क्या है मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच ठीक है तो नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्स ठीक है तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपका यानी कि सन किसकी एग्जाम्पल दी गई है बी ऑप्शन बायोफ्यूल्स सी ऑप्शन एलपीजी एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि डीजल तो बिल्कुल राइट आंसर है हमारे पास कौन सा ए यानी कि सन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल बैटरी की हमें क्या बतानी है एक एग्जाम्पल बतानी है ये किसकी इग्जाम्पल है तो देखिए ऑप्शन ए जो है यानी कि लेक लेंचे सेल बी ऑप्शन जो है नाइकल कैडिम बैटरी एंड सी जो है ड्राई सेल एंड लास्ट इज लिथियम सेल तो बताया हूँ मैं आपको सही आंसर जो है यानी कि हमारा सही आंसर जो है बी पार्ट नाइकल कैडिम बैटरी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच न्यूटन ला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स मास एंड एसिलेशन के बीच किसने ये न्यूटन का ला दिया है ठीक है किस किस के बीच देखिए फोर्स मास एंड एसिलेशन के बीच ठीक है इस रिश्ते के बीच तो कौन सा लॉ है देखिए ऑप्शन ए जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बी ऑप्शन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसमें बताया गया है देखिए थर्ड जो है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का या डी जो है आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा यानी कि सही आंसर जो है आपके पास बी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज रिलेटेड टू अजोन लेयर डिप्रेशन ठीक है तो ये किसके किस में रिलेटेड है देखिए ए ऑप्शन जो है यानी कि मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल ठीक है सो बाकी जो है आपके वो गलत हैं नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ हेल्प टू ट्रांसलोकेट अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सल्यूट्स फ्रॉम दी लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट ठीक है तो किसकी मदद है ये देखिए ऑप्शन ए जो है यानी कि कॉर्टेक्स बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पिथ सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फ्लोएम। एंड जो डी ऑप्शन जो है आपके पास जाइलम ठीक है तो सही आंसर क्या है हमारा सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ टर्म्स डिनोट्स द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन कम्युनिटी ठीक है अब इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जिसने डिनोट्स फिजिकल पोजिशन और फंक्शनल रोल किया है ठीक है तो ऑप्शन जो है आपके पास देखिए कौन सी कम्युनिटी के हैं ए ऑप्शन जो है बायोमास बी ऑप्शन जो है इकोलॉजिकल पायरिम्ड सी ऑप्शन जो है इकोलॉजिकल नाइके एंड डी ऑप्शन जो है इकोटोन तो बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट इकोलॉजिकल नाइट नेक्स्ट देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज काज रिकेट्स इन चिल्ड्रन सो किस कारण से बच्चों में ये रिकेट्स की ये आ जाती है ठीक है uh, मतलब डिजीज़ आ जाती है सो so, ये किस विटामिन की कमी होती है वो आपको बताना है इसका कारण कौन सा है तो देखिए ए ऑप्शन जो है आपके पास यानी कि विटामिन के बी ऑप्शन जो है विटामिन डी सी ऑप्शन जो है विटामिन सी एंड लास्ट इज दी विटामिन ए ठीक है तो क्या है हमारा सही आंसर सही आंसर जो है बी यानी कि विटामिन डी ठीक है तो क्या है इसका सही आंसर विटामिन डी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ़ मैटर हैज इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम ठीक है अब इनमें इनमें से हमें मैटर बताना है कौन सा मैटर है जो शेप uh, और इन सॉरी इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम के बीच बताना है तो मैटर है जो आपके पास ए इज दॉलट बी ऑप्शन जो है गैस सी ऑप्शन जो है लिक्विड एंड जो डी इज़ दी लास्ट ऑप्शन यानी कि प्लाज्मा तो बिल्कुल सही आंसर क्या है आपका यानी कि बी पार्ट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का बताना है तो क्या है इसका ऐसा यूनिट जिसको पता है वो बताइए और जिसको नहीं पता है वो कोशिश कीजिए ऑप्शन ए जो है यानी कि एम्पायर बी ऑप्शन जो कैंडीला सी ऑप्शन जो है यानी कि कैल्विन एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि मोल तो क्या है आपका सही आंसर यानी कि सी पार्ट कैल्विन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है ठीक है क्या है कैलविन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग पिगमेंट्स गिव्स ग्रीन कलर टू दी लीव्स ठीक है सो so, कौन से पिगमेंट्स हैं जो हमें ग्रीन कलर देते हैं ग्रीन कलर के पत्ते देते हैं तो देखिए ए ऑप्शन जो है यानी कि न्यूक्लियस बी ऑप्शन इज का साइटोप्लाजम सी ऑप्शन जो है क्लोरोफिल एंड डी ऑप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है ये आपके पास ऑप्शन आ गया सही आंसर मैं आपको बताऊं यानी कि सी इज़ दी क्लोरोफिल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग वेव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूटनल वेव्स ठीक है सो so, अब हमें ये इसकी एग्जाम्पल क्या है देखिए ए ऑप्शन में हमें दिया गया है अल्ट्रासोनिक वेव्स बी ऑप्शन में दिया गया है माइक्रोवेव्स सी ऑप्शन में दिया गया है लाइट वेव्स एंड डी ऑप्शन में दिया गया है इन फ्रेय वेव्स तो बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारे पास यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज दटोमसिटी ऑफ नाइट्रोजन ठीक है सो so, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इसकी नाइट्रोजन की एटोमसिटी देखिए एटम जो है ऑप्शन देखिए ए जो है आपका यानी कि थ्री बी ऑप्शन जो है यानी कि एट सी ऑप्शन जो है यानी कि वन एंड लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास टू ठीक है तो जिसको पता है तो वो बताइए तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि डी टू ठीक है तो ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन आज की वीडियो यहाँ ही खत्म होती है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना बाय बाय टेक केयर और प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए ठीक है